अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। तो बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वो हमने 1.5 का वहाँ पर कंप्लीट किया था हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर 9th क्लास के। तो आज हमने इंशाल्लाह शुरू करना है 1.6 को, और उस 1.6 के अंदर उससे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है। आपको मेरे पीछे जो है वो एक चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब यह है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो। ठीक है, तो अगर लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैसे कैसी लीनियर इक्वेशन है। अब उसमें वो कह रहा है कि आपके पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, अब वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई और जी। इट मीन्स कि दो होंगे, या एक्स वाई होगा, वाई जी हो सकता है, एक्स जी हो सकता है, वो क्वेश्चन की मर्जी है, कि जो जो क्वेश्चन देने वाला है उसकी मर्जी है वो कौन से दो वेरिएबल्स यहाँ पर पुट करता है। तो आपका मेन काम यहाँ पर ये होगा कि उन दोनों इक्वेशंस में से आपने एक्स की और वाई की या जी की, जो भी दो वेरिएबल्स इन तीनों में से मौजूद होंगे, उनकी वैल्यू को निकालना है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने इनवर्स निकालना पड़ा हुआ था, हमने एडजॉइंट लेना पड़ा है, हमने डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं वो पढ़ा है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, मतलब एक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है उसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है इन इक्वेशंस को। इक्वेशंस किस फॉर्म के अंदर हो सकती हैं, इक्वेशन कुछ इस फॉर्म के अंदर हो सकती हैं जी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी कह लें आप। ठीक है, दूसरा अगर हम कुछ इस तरह से लिख दें, हम ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू कोई एम लिख दें। ठीक है, इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन है वो आपके पास हो सकती हैं। यहाँ पर भी यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो कंडीशंस हैं, एक कि वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और दूसरा उसके अंदर दो वेरिएबल्स होनी चाहिए। ठीक है, और याद रखना है कि इस इक्वेशन के सिस्टम को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं जी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब यह होता है एक ऐसी इक्वेशन जिनका एक सॉल्यूशन सेट निकले और वो दोनों इक्वेशंस से निकल रहा हो, उनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस। यानी कि दो इक्वेशंस का एक इकट्ठा सॉल्यूशन जो निकलता है, ठीक है, अगर दो सॉल्यूशंस का एक इकट्ठा सॉल्यूशन निकल आए उसको हम क्या नाम देते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का हम उनको नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जो आपका पहला तरीका है, पहले तरीके को कहा जाता है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। ठीक है, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। और बच्चे जो दूसरा मेथड है उसको कहा जाता है क्रैमर्स रूल। इसको क्या कहा जाता है, क्रैमर्स रूल का नाम दिया जाता है। ये दोनों मेथड जो है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आप चाहे इन इक्वेशंस को इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आपका दोनों का आंसर जो है वो सेम होगा। ठीक है, याद रखना है कि हमेशा दोनों का आंसर सेम होगा। अगर तो दोनों का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये बात, आप ये क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है। दोनों तरीकों से अगर आंसर एक जैसा आ जाता है, अगर आंसर डिफरेंट हो जाता है तो इट मींस कि आपका वो मेथड जो है, जो आपने काम किया है उसमें से या तो मैट्रिक्स इनवर्जन गलत किया है या फिर क्रैमर्स रूल को आपने गलत किया है। ठीक है, तो चले अब हम इसको एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ले जी, हमारा पहला क्वेश्चन हमने निकाल लिया यहाँ पर, उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसको हम दोनों तरीकों से करेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि हमारे दोनों तरीकों से करने के बाद हमारा आंसर जो है वो एक जैसा आता है या नहीं आता। ठीक है, ये हम इसमें यहाँ पे देखते हैं हमारी एक्सरसाइज के अंदर। ले जी, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 क्या कहता है जी, 2x - 2y = 4। 2x - 2y = 4। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है जी, 3x + 2y = 6। 3x + 2y = 6। ठीक है, इसका सलूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, बट पहले कौन सा मेथड करें,
एक तो हमारे पास मैट्रिक्स इनवेरियंट मेथड है और दूसरा हमारे पास क्रैमर्स का रूल है। तो हम क्या करते हैं जी कि इसको मैट्रिक्स इनवेरियंट मेथड से पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको क्रैमर के रूल से करेंगे। तो बेटा जी हम यहां पर पहले यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स इनवेरियंट मेथड, हम इसको यहां पर पहले यूज करते हैं, ठीक है जी। मैट्रिक्स इनवेरियंट मेथड को हमने यहां पर यूज करना है और उसको यूज करते हुए देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को आप नीचे लिख लें, 2x-2y = 4 और फिर 3x+2y = 6। बेटा सबसे पहले आपका काम यह होना चाहिए मैट्रिक्स इनवेरियंट मेथड में कि आपके पास जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं उनको सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। यहां पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे कैसे, देखें इधर आपके पास क्या है, 2 2 इधर आ जाएगा, इधर क्या है 3 3 को हम यहां लिख देंगे, इधर -2 है तो -2 इधर आ जाएगा, इधर 2 है तो ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये इस तरह से आ गया, ओके। उसके बाद बेटा जो वेरिएबल्स यहां पर आपके पास मौजूद होंगे उनको आपने हमेशा कॉलम में लिखना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ जो भी मौजूद होगा, जो भी वेरिएबल मौजूद होंगे उसको आपने हमेशा कॉलम में लिखना है, यानी कि आपने इस तरह से इसको लिखना है एक्स और वाई, ठीक है, ये आपने लिख लिया। और उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स बचा वो हमारा आ जाएगा 4 और 6 का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसकी जो जनरल फॉर्म है वो आपने, सॉरी इनकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स है इसको आपने कहना है जी कि ये आपका तो कैपिटल ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आपने कह देना चाहिए ये कैपिटल एक्स है और इसको आपने नाम देना है बी का। हमारा मेन काम यह है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स को हम ए की साइड पे रखेंगे और इस ए को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे। याद रखना है कि जब भी मैट्रिक्स दूसरी साइड पे जाता है तो वो कभी डिवाइड नहीं होता। वो क्या हो जाता है, जब भी मैट्रिक्स एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है, अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हो और दूसरी साइड पे चला जाए तो वो दूसरी साइड पे जब भी जाता है तो वो होता है जी ए इनवर्स बी, यानी कि वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स यहां मल्टीप्लाई कर रहा था जाकर डिवाइड नहीं होगा, बल्कि जब ये इधर जाएगा तो यहां पे जाकर क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स। अब देखें बी वाला मैट्रिक्स तो मौजूद है हमारे पास, हमारे पास क्या नहीं है, ए इनवर्स। आपने लास्ट एक्सरसाइज में एज वी नो दैट ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था और वो क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ये आपने पढ़ा था, ऐसे ही है, यही पढ़ा था जी आपने। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम एडजॉइंट और ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और ए इनवर्स निकाल के इसमें पुट करेंगे हम। तो हमारा ए क्या है, ये वाला। सो नाउ हमारे पास ए क्या है जी, ए इज इक्वल टू, ए है जी 2 3 -2 और 2। पहले हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो यहां लिखते हैं टेकिंग डिटरमिनेंट, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा ए का डिटरमिनेंट और इधर भी आ जाएगा 2 3 -2 2। और डिटरमिनेंट लेते हुए मैंने आपको सिखाया था कि आपने पहले डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर हमने बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और डिटरमिनेंट लेते हुए दरमियान में हमेशा आपने माइनस लगाना है। तो ये हो जाएगा 4 --+3 = 6। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हम इसका इनवर्स यहां पर निकाल सकते हैं। अगर यहां आंसर 0 आता तो हम कह देते इनवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते, लेकिन अब वो नॉन सिंगुलर है, इट मींस कि हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो एक चीज हमारी रह गई, एंड क्या रह गया जी, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, डायगनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं, ये डायगनल एलिमेंट्स इनकी जगह चेंज कर देंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और बाकियों के साइन चेंज, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह ले। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया, तो यहां लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में हम इसको पुट कर देंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इधर आएगा जी 2 2 -3 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो अभी आप क्या करें कि इस 1/10 को साइड में रख लें
और इसको वैसे लिखा रहने दें, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए का इनवर्स आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए इनवर्स चाहिए था, वो हमने निकाल लिया, अब इस ए इनवर्स को हम यहां पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो बेटा ए इनवर्स हमारे पास ये मौजूद है 1/10, ठीक है जी। इधर क्या आ जाएगा, 2 2 -3 2, नहीं जी ये हमारे पास आ गया इनवर्स, सॉरी मैं ये ए इनवर्स आ गया। और फिर बी क्या है, 4 6, उसको भी यहां पुट कर दें, तो बेटा इधर आ जाएगा 4 6। और आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी भी है, रोज टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 2 4 8, दरमियान में प्लस 2 6 12, तो बेटा यहां से ये मल्टीप्लाई होगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, दरमियान में प्लस 6 2 12। तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 1/10, और इधर आ जाएगा 12 + 8 20, ये प्लस माइनस कैंसिल, इधर आ जाएगा 0। अब इन दोनों, अब ये 1/10, ये जो 10 है डिवाइड हो रहा है ना, तो जब ये अंदर जाएगा तब भी ये क्या होगा, सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 20/10, और फिर आ जाएगा 0/10, ठीक है। अब हमारे पास ये x क्या था, एक्स वाई, उसको यहां लिखते हैं, ये आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। और इधर आ जाएगा ये 10 2 आ जाएगा, और ये वैसे ही 0 है, 2 और 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो आपने हमारे फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें हमने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में ये कहा था कि एक तो उनका जो ऑर्डर है वो एक दूसरे के सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर देख लें, इसका भी 2/1 है और इसका भी 2/1 है। अब दरमियान में इक्वल का साइन लग गया, इसका मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है, पहला पहले के इक्वल है और दूसरा दूसरे के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया और वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, ओके। तो जरा इसको एक दफा फिर से रिपीट करते हैं, क्या किया, सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा, ये 2 3 इधर आ गया और ये -2 और 2 ऐसे लिख दिया। उसके बाद जो भी वेरिएबल मौजूद होगा उसको आपने किस में लिख देना है, कॉलम की शेप में, और एक मैट्रिक्स आपका 4 और 6 का बन जाएगा। इसको आपने ए कहना है, ये आपका एक्स होगा और ये क्या होगा, बी। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मैट्रिक्स आपका दूसरी साइड पे जाता है तो वो डिवाइड नहीं होता, जब मल्टीप्लाई कर रहा हो तो वो डिवाइड नहीं होता, क्या होता है उसका इनवर्स हो जाता है। तो बी और एक्स वाली वैल्यूज तो के मैट्रिक्स तो हमारे पास मौजूद है, इनवर्स नहीं है। तो ए इनवर्स को हमने वैसे ही निकाला जैसे हम पहले निकालते रहे, क्या किया, पहले डिटरमिनेंट लिया, फिर एडजॉइंट लेके यहां पुट कर दिया, ये इनवर्स आ गया। और फिर इसको कहां पुट करना है आपने, वन में। तो मल्टीप्लीकेशन आपकी एज इट इज वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये 20 और 0 आया, 10 डिवाइड करा तो अंदर हर एलिमेंट के साथ फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 20/10 2, 0/10 0, दरमियान में इक्वल का साइन, इट मींस पहला पहले के इक्वल हो गया और दूसरा दूसरे के इक्वल हो गया, ठीक है जी। तो फटाफट से इसको नोट कर लें ताकि अब हम इसका दूसरा मेथड करें जिसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल, और उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी जी बच्चों। तो अब हमने करना है क्रैमर्स रूल से इस क्वेश्चन को। देखें एक चीज याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें चाहे आप क्रैमर रूल से करें, दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। अब पहले में x का आंसर आया था 2 और y का आंसर आया था 0, तो देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन में हमारे साथ क्या होता है कि हाँ क्या हमारे x के और y के वही आंसर आते हैं या नहीं। अगर तो वही आंसर आएंगे तो इट मींस के हमारे दोनों मेथड जो है वो ठीक तरीके से सॉल्व हो गए हैं। अगर वो आंसर नहीं आते तो इट मींस के हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर की है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि हमारे आंसर वही आए जो हमारे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आए थे। तो देखते हैं जी, आपने उसी तरीके से पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, यहां लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, हमारे पास पहले वही उसी तरह से 2 3, फिर यहां पे -2 और 2, और वेरिएबल को आपने कॉलम में लिखना है। तो एक्स वाई और बी वाला भी आपका कॉलम में ही आएगा और वो होगा 4 और 6, ठीक है। अब यहां से आपने इसको लेट कर लेना जी, ये ए के इक्वल है। अच्छा एक चीज मुझे बतानी है, भूल गई, याद रखना क्रैमर्स रूल में x को x की वैल्यूज निकालने का तरीका ये है, बल्कि हम इसको क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख लेते हैं x और y के, कि क्रैमर्स रूल में हम x और y को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो x और y को निकालने का तरीकाकार ये है, x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है।
और फिर वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए तो हम निकालेंगे, ए एक्स और ए वाई कैसे आना है वो बाद की बात है, पहले हम जरा देख लें इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। यहां लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इसको यहां पे लिखेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा टू थ्री, ठीक है, फिर आएगा माइनस टू और टू आ जाएगा, देन हमारे पास क्या आएगा जी एक्स वाई कॉलम में, ठीक है, और इधर हमारे पास बी आ जाएगा और वो क्या है फोर सिक्स ले जी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको लेट करेंगे कि ये हमारा ए है, ठीक है, दिस इज ए, और इसका हमने यहां से डिटरमिनेंट ले लेना क्योंकि हमारे फॉर्मूलाज में ए का डिटरमिनेंट मौजूद है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड आप डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट लेने का तरीका आप लोगों ने सीखा हुआ है कैसे आएगा जी, पहले आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपने बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। जरा सही तरह से लिख लेते हैं, ले जी इधर आ जाएगा टू थ्री, इधर आएगा माइनस टू और टू, इसका डिटर्मिनेंट पहले आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, दरमियान में माइनस और फिर बाकी एलिमेंट्स। तो बेटा इधर आ जाएगा फोर प्लस सिक्स, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा टेन, ले जी ए का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गया। अब सवाल यहां पर ये आ जाता है कि हमारा ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है, वो हमने देखना है। तो बेटा बड़े गौर से आपने देखना है, सपोज कर लें कि ये इस मैट्रिक्स को मैं यहां लिखता हूं, जरा ये हमारा टू थ्री माइनस टू और टू, लेकिन सपोज कर ले कि ये वाला कॉलम जो है कि ये आपका एक्स का कॉलम है, ठीक है, और ये वाला कॉलम जो है ये आपका वाई का कॉलम है, ये लेट कर लिया हमने, ठीक है। नाउ याद रखना है कि जब भी हमने ए एक्स लेना है, जब भी हमने ए एक्स लेना है तो आपने इस एक्स वाले कॉलम को उड़ा देना, खत्म कर देना। तो फिर सवाल ये आता है कि इसकी जगह पे लिखेंगे क्या, मैं फिर बता रहा हूं कि सपोज कर लेना कि ये एक्स का कॉलम है, ये वाई का कॉलम है, ठीक है, तो ए एक्स के कॉलम में एक्स वाला उड़ा दो, उसकी जगह पे आपने लिखना है ये वाला कॉलम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी ए एक्स आपने लेना है इसको यहां से खत्म कर देना है, ठीक है, एक्स वाले कॉलम को जो पहला कॉलम होगा ए में वो आपने खत्म कर देना है। लिखना कौन सा है आपने, ये वाला, इट मींस कि यहां जो है फोर और सिक्स आ जाएगा, ठीक है, और फिर जो दूसरा होगा कॉलम जो वाई वाला वो वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे, ठीक है। और जब आपने ए वाई में जाना है, ठीक है, जब आपने ए वाई में एंटर होना है तो फिर ए एक्स में से तो हमने एक्स वाला कॉलम फारिग कर दिया था, तो ए वाई में से फिर कौन सा कॉलम फारिग करेंगे, वाई वाला कॉलम फारिग कर देंगे यहां से, तो क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस टू, माइनस टू टू खत्म हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा, इट मींस के हमारे दूसरे कॉलम की जगह पे फोर और सिक्स आ जाएगा और पहला वैसे का वैसे ही रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप ए एक्स करेंगे तो एक्स वाले कॉलम को यहां से खत्म कर देना है, उसकी जगह आपने ये वाला लिखना है और दूसरा वैसे का वैसे ही, और ए वाई में आपने वाई वाला कॉलम फिनिश कर देना है, ठीक है, खत्म कर देना है यहां से, उसकी जगह पे फिर हम दोबारा ये वाला लिखेंगे और इसमें पहला आपका वैसे का वैसे, यानी कि ए एक्स में से एक्स वाला कॉलम खत्म, ए वाई में से वाई वाला कॉलम आपने खत्म कर देना है। अब हमने क्या करना है, दोनों का डिटरमिनेंट लेना है, तो मैं ये दोनों के लिए लाइन लिख रहा हूं, टेकिंग डेट ऑन बोथ साइड, ये लाइन दोनों के लिए, ठीक है, इसमें हम लाइन लगा देते ताकि हमारा मिक्स ना हो। तो बेटा जी इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, ए एक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू फोर माइनस टू सिक्स और टू, तो पहले तो डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा के फिर दूसरे एलिमेंट्स, ठीक है, फोर टू एट माइनस माइनस प्लस सिक्स टू ट्वेल्व, तो बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया ट्वेंटी आ गया, ओके। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू टू फोर थ्री सिक्स, तो बेटा पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, टू इंटू सिक्स दरमियान में माइनस और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओके हो गया। तो बेटा टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करें ट्वेल्व आ जाएगा, ट्वेल्व में से ट्वेल्व माइनस कर दे तो ए वाई का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमें ए का डिटरमिनेंट चाहिए था वो हमने निकाला हुआ है, ए एक्स का डिटरमिनेंट चाहिए था वो भी आ गया, ए वाई का चाहिए था वो भी आ गया, तो अब हमारा क्या रह गया, सिर्फ हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको जो हमारे फॉर्मूलाज मौजूद है और हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या आएगा, यहां से जरा लाइन लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, यहां से भी ऐसे कर देते हैं जी,
तो बेटा जी x इज इक्वल टू ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटरमिनेंट क्या है, 20 है, इधर आएगा 20 डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट क्या है 10। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, 10 1 10 10 2 20। और उसके बाद y का, ए वाई का डिटरमिनेंट 0 और ए का 10। तो 0 और समथिंग हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आप गौर करेंगे, अगर आपको याद हो तो क्या हुआ था जी, हमारा जो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड था उसमें भी हमारा आंसर जो है वो 2 और 0 ही आया था, एक्स का 2 था और वाई का 0 था, और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 2 और 0 ही आया है। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका था जी क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, इसको फटाफट से नोट कर लें ताकि हम अगली बातें कर सके। जी बच्चों, तो अब हम अपने एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हाजिर हैं। इसको भी हमने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से और क्रैमर्स रूल से के साथ हमने इसको कर रहा है। वैसे आप लोगों ने सीख तो लिया कि मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड क्या होता है और क्रैमर्स रूल क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक और क्वेश्चन यहाँ से करेंगे ताकि वो मेथड जो है वो हमें और अच्छे तरीके से हमारे जहनों में जो है वो बैठ जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को दोबारा जो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर्स रूल को भूले ना, क्योंकि एक्सरसाइज 1.6 में से अक्सर जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और याद रखिएगा कि दोनों इकट्ठे नहीं आते, इन दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड उसने कहा होता है कि इन लीनियर इक्वेशन को किसी एक मेथड के साथ सॉल्व करें। ठीक है, यानी कि या तो ग्रामर देगा या मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड देगा, आप लोगों को जो वहां पे दिया हो आपने वही करना, दोनों नहीं करने। अगर कहेगा को दोनों से करें फिर दोनों करने, अदरवाइज आपने जो दिया होगा उसने वही से करना है, कोई दूसरा मेथड अपने पास से नहीं करना आपने। तो ले जी, इसको अब हम करते हैं मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड के साथ, जैसे हमने पहले किया था, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से हम इसको करते हैं यहां पर, तो क्या होगा, ले जी पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा जी, इसमें आ जाएगा 3 और -6। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा -2 और 4, देन हमारे पास आएगा जो वेरिएबल है उनको हमने कॉलम में लिखना, मैंने पहले भी बताया, और ये आपका आ जाएगा 4 और 7। तो ये हमारा क्या है जी, ए, ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी, और ये ए जब इस तरफ आएगा तो इधर आकर अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। अब इसको, ये हमारा ए है, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3 -2 -6 और 4। तो यहां से जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड आप डिटर्मिनेंट ले लें यहां से, तो इधर आपके पास आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर आएगा 3 -2 -6 और 4। तो बच्चे यहां से क्या आएगा, 3 × 4, बल्कि सॉरी, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए ए का इनवर्स था ना, तो ए का इनवर्स, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि ए के इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 कहें, इसके बाद आपने ये लिखनी है। ओके, तो अब ए इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट और ए का एडजॉइंट चाहिए हमें, तो निकालते हैं ए का डिटरमिनेंट निकाल लें जी हम, इधर क्या है जी हमारे पास 3 -6 -2 और 4। तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4, दरमियान में -6 × -2। जरा गौर करें यहां से, ये हो गया 3 4 12, दरमियान में माइनस 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 प्लस 6 2 12। तो ए का डिटरमिनेंट यहां से आपके पास क्या आ गया, 0, ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया। अभी हम, मैंने थोड़ी देर पहले जब लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए, वो मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता तो इस क्वेश्चन को हम आगे लेकर नहीं चलेंगे। तो अगर आप गौर करें यहां से, तो ए का डिटरमिनेंट 0 आ चुका है। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया, इट मींस कि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सके। तो यहां पे लिखेंगे, लो जी क्या लिखेंगे जी, हाँ, सो एज वी कैन, बल्कि हम एज वी कैन सी से लिखते हैं, एज वी कैन सी दैट, एज वी कैन सी दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है,
सो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. सो सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस इज नॉट पॉसिबल. लीजिए यहां तक आपने ये लिख देना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने यहां पर ही खत्म कर देना, ठीक है, क्योंकि ये ए डिटरमिनेंट जीरो आ गया और हम इसका जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये एक्स तो निकालना दूर की बात है, हम इसका इनवर्स ही नहीं निकाल सकते. तो जब इनवर्स नहीं निकाल सकते तो सॉल्यूशन भी आपका पॉसिबल नहीं होगा. तो फटाफट से इसको नोट कर लें जी बच्चों. तो अब हम यहाँ पे आपको मेरे पीछे रिव्यू एक्सरसाइज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 क्यों नहीं करवाया जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं. तो बेटा करवाने को तो मैं क्वेश्चंस करवा दूँ लेकिन वो कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है और पेपर में बहुत कम आते हैं, बल्कि आप ये समझ लें कि ना होने के बराबर है, ठीक है. तो बेटा जी बाकी जो क्वेश्चन रह गए क्वेश्चन नंबर 1 के वो आप लोगों ने खुद करने हैं, सारे के सारे जो है वो एक ही आपने मेथड से करने हैं, जो एक जैसे मेथड सब में एक ही मेथड यूज होना है, मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड और क्रैमर्स रूल, और सब में ही जो आंसर है चाहे वो आप मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड से करें चाहे क्रैमर्स रूल से करें तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे और दोनों में आंसर जो है वो सेम आएंगे. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर मुझे पता लगा कि इसकी इनकी जरूरत है तो हम इनको कर लेंगे, अदरवाइज इनकी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, इनको हम यहीं पे खत्म कर देंगे. अच्छा बेटा जी तो यहां से हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइजेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं पहले चैप्टर की. अब हम आ गए हैं हमारी रिव्यू एक्सरसाइज पे. तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारा जो पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो पहला एमसीक्यूज है उसमें ये पूछा गया है जी कि हमारे पास 2 और 1 है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है. तो बेटा अगर आप यहाँ से देखें तो इसमें 1 रो है और 2 बेटा इसमें कॉलम है, ठीक है. तो रोज को हम m से डिनोट करते हैं, कॉलम्स को हम n से, और वो m बाय n है, तो इट मींस कि यहां पे आ जाएगा 1/2. इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2. तो इसका आंसर क्या है इसमें जी? इसका जो b पार्ट है वो इसका आंसर होगा, ठीक है. आपके पहले का जो आंसर है वो होगा 1/2. दूसरा जो मैट है उसमें वो कहा गया है जी कि आपके पास ये मैट्रिक्स है √2 0 0 √2. अब आप लोगों को अगर अपने मैट्रिक्स की डेफिनेशंस के बारे में याद हो तो उसमें हमने एक स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे डायगनल, उसमें शर्त क्या थी कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स कि जिसके डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों और बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हों? 0. तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे ये जो डायगनल एलिमेंट्स है 2, ये 2 डायगनल एलिमेंट्स, ये दोनों क्या है? सेम है, ठीक है. तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है. और स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे आंसर कौन सा है जी आपका? वो है जी सी. सी ऑप्शन जो है बेटा वो आपका आंसर है बच्चों, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी. अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पे, विच इज द ऑर्डर ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है. हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसको हम यहीं पे लिख लेते हैं. जो थर्ड ऑप्शन है हमारा उसमें बेटा लिखा हुआ है कि आपका जो स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है. तो बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है कि स्केयर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं. इट मीन्स कि अगर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम होंगे, 1 रो है तो 1 कॉलम, यानी कि 1/1, 2/2, 3/3, 4/4. अब इस तरह से कोई इनमें से कोई मिलता जुलता अगर आप देखें यहाँ पर 3 में जो पहला है वही हमारा आंसर है क्योंकि वहां 2/2 है, यानी कि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं. दूसरा हमारा 1/2 है, फिर 2/1 है, फिर 3/2 है, लेकिन वो सेम नहीं है. तो इट मींस कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा और वो हमारा पहला ऑप्शन क्या है जी? 2/2, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर फोर में वो हमें एक मैट्रिक्स दे रहा है, तो जरा वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं क्या है. 2 0 3 1 1 2, ले जी ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है. और यहां पर वो पूछ रहा है कि वैसे तो इसके ऑर्डर की अगर बात करें तो इसका ऑर्डर तो 1 2 3 1 2, अगर आप देखें तो 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं,
तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका ऑर्डर बनता है 3/2, लेकिन जरा गौर करें, उसने कहा जी ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, कि इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो उस वक्त इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जरा आए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। ये कॉलम है, इसको बेटा जी आप रोज बना रो बना दें, और ये पूरी ये भी कॉलम है, इसको भी आप रो बना दें। ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज। अब अगर आप देखें तो यहां पर दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अब इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। अगर हम ऊपर वाले गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका ऑर्डर 3/2 था, लेकिन उसने क्या इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3, वो शिफ्ट हो जाएंगे, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 3 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है जी, ये है जी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नंबर 5 एडजॉइंट निकालना जी। नंबर 5 नहीं जी, पहले हम मैट्रिक्स लिख देते हैं, वो क्या है जी, 1 2 0 -1, 1 2 0 -1। तो बेटा जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट क्या होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज हो जाएगी और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए, ये -2 का और 0 के साथ कोई भी साइन लगाओ उसको फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये कौन सा ऑप्शन है जी हमारा, ये पहला ही हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है जी ए, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कोई और ऑप्शन नहीं लगाना। नेक्स्ट है जी हमारा नंबर 6, उसमें हमारे पास है जी एक्स वाई और फिर हमारे पास है जी 2 और 1। तो देख ले इसमें कितने बेटा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रोज टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा 2x, दरमियान में हमेशा प्लस, ठीक है, दरमियान में हमेशा प्लस लगता है, ठीक है जी। और दूसरा दूसरे से y जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा वो -y आ जाएगा, ओके। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2x - y। तो जरा देखें ये 2x - y वाला ऑप्शन किधर है जी, ये है जी सी ऑप्शन। ले जी ये सी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 7, बड़ा ही सिंपल है जी ये भी नंबर 7। नंबर 7 में वो क्या कहते हैं जी, आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 6 3 6 x, 2 6 3 x, और इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, और इसमें से आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस और फिर बाकी एलिमेंट्स, एंड इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x, 3 6 18 इज इक्वल टू 0, 18 इधर आके प्लस माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, तो 18 / 2, तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, 2 9 18, ठीक है। तो कौन सा है जी ये आंसर आपका, ले जी ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जी इसका आंसर, ले ठीक है। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लें ताकि हमारा जो लास्ट ऑप्शन रह गया हम उसका आंसर भी यहां पर लिख सके, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहां से इसका दूसरा आंसर जो है वो यहां पर लिखेंगे, देखते हैं जी कि इसका जो दूसरा आंसर है वो क्या होगा, सॉरी दूसरा नहीं लास्ट वाला। तो इसमें है जी हमारे पास नंबर 8, तो नंबर 8 में हमारे पास क्या है, x प्लस -1 -2, ठीक है, फिर हमारे पास है 0 - 1, ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है, 1 0 0 1 1 0 0 1। अब बेटा देखें ये पूरा मैट्रिक्स जो है ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, इस पूरे मैट्रिक्स को जब मैं ऊपर उधर लेके जाऊंगा, पहले तो हम वो उधर वाला लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये पूरा मैट्रिक्स जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें आ जाएगा 1 - - +1, 0 - - +2, 0 - 0, फिर 1, ठीक है, -(-+1). तो क्या इसका आंसर आ जाएगा जी, इधर आएगा 2, ये भी 2, ये 0 और 1 + 1 2, ये एक्स आ गया आपका। और कौन सा ऑप्शन है जी, ये आपका है जी डी ऑप्शन। ले जी लो बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज में यहाँ पर आज सॉल्व हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को यहाँ से वाइंड अप कर दें, ताकि उसके बाद जो है वो हम अगला चैप्टर जो है वो हमारा शुरू कर सकें।
तो बेटा जी आज हमने क्या पढ़ा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में आज हमने पढ़ा है, जिसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है और क्रैमर्स रूल से करना है। और क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दोनों से जब आप इक्वेशंस को के जोड़े को या उसको करेंगे तो आपका जो आंसर है वो दोनों से सेम आएगा। सो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। सो बेटा जी मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस। फी मानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।